हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज संडे हम बनाएंगे मटन का कीमा फ्राई। उसके लिए ले लगने वाले सामान हैं प्याज कटे हुए, हरी मिर्च कटा हुआ, लहसुन छीला हुआ और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और उसे फ्राई करने के लिए ऑयल। कीमे को अच्छे से साफ़ करके धो ले, धो के साफ़ करके तैयार रखे। प्याज मिर्ची लहसुन सबको छील के काट ले। अब फ्राई के लिए पैन रखते हैं, कढ़ाई रख के ऑयल डाल के उसमें लहसुन भुनने के लिए डालते हैं। उसमें थोड़ा जीरा सरसों डालें, प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर ले। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो देखिए, प्याज अच्छे से डाल लीजिए उसमें। अच्छे से चलाए, उसे चलते रहने दीजिए। संडे है, पेशेंट लोग को खिलाते हैं ना कीमा ताकत के लिए, तो आप ऐसा सिंपल से उसको बना सकते हो। उसमें ज़्यादा मसाले वसाले नहीं लगते हैं पेशेंट के लिए बनाते हैं तो, या फिर हम लोग अपने लिए भी हम ऐसा सा सिंपल सा बना सकते हैं। मटन का कीमा है ये। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए प्याज लहसुन जीरा सरसों सब अच्छे से ऑयल में फ्राई हो गए। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका कच्चापन जाते तक पूरा से अच्छे से चलाना है। इसका कच्चापन चले जाए इतना अच्छे से चलाना है इसको भी। कीमा है जो उबाल के रखे थे हम लोग, कुक करके रखे कुकर में, वही कीमा है ये। पहले से कुक कर लिए हैं इसे कुकर में, 2 विसल आते तक पका के इसको फिर फ्राई करना है। पका हुआ कीमा डाल दिए इसमें, अच्छा से चलाए। अब इसमें नमक मिर्ची हल्दी सब डाले। मिर्ची ऑलमोस्ट कुक हो गया है, थोड़ा सा कीमा, उसके बाद मिर्ची डालें, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालें, थोड़े से हल्दी, थोड़ा सा नमक के हिसाब से डाल के अच्छे से चलाएं। कीमा आपका तैयार है, संडे का कीमा। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।